Hello friends, how are you? I hope कल के, के बाद आप थोड़ा सा आप कामडाउन हो चुके हैं बहुत सारे बच्चे फ्री हो गए होंगे कि भाई हमारे तो पेपर हो गए बट में अभी भी यही बोलूंगा विथ सैट विच यू शुड रियली रियली ट्राई वेरी हार्ड फॉर सो डो नॉट गिव अन टेक अ ब्रेक फॉर अ डे और डू बट गेट बैक टू द रिदम सो दैट यू डू नॉट रिग्रेट लेटर कि यार अगर वो पंद्रह दिन में और पढ़ लिया होता है तो आई वुड अ मच बेटर जोन आइए क्विक रिव्यू करते हैं, 2023, we'll ये हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं जब क्वेश्चन सामने आते हैं जब हम एज अ टीचर भी उसे रियल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं change, है? और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों ने जिस जिन पॉइंट में बात कर रहा हूं हाउ यू फेल दैट द पेपर वॉज राइट ऑन द पर्टिकुलर पैरामीटर्स राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल जो व्यू था पेपर एक्सपेक्ट एज एक्सपेक्टेड जो हम बार बार बोल रहे थे मैथन गोपे भैया कुछ बदलता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू ऑल एग्री की आई आई टी गुवाहाटी ने पेपर बनाया इट डज नॉट हैव एन कि बहुत ज्यादा टफ पेपर आएगा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आई टी गुवाहाटी टैगवर्ड लेके बहुत वीडियोज बनाई थी कुछ ऐसा नहीं हुआ इफ वन प्रॉब्लम कम सो की बार भी बोल रहे हैं लोग कि सर जो टॉस करने वाला क्वेश्चन आया था फिजिक्स मेंच प्रॉब्लम एंड देट वॉज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट इट वॉज इजी इफ यू जस्ट गेव टू थ्री मिनट एक्स्ट्रा थिंक लॉजिकली बट इवन इफ इट इज अ टफ देन इट इज बाउंड एडवांस विल है इन एवरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ

बट सिंगल फोर मल्टीपल करेक्ट थ्री ओनली थ्री यहां पर वेटेज ड्रास्टिकली गिरी है अदरवाइज वी वुड हैव सेड कि फोर्टी परसेंट पेपर मल्टीपल करेक्ट होता था विच मेड द पेपर डिफिकल्ट बिकॉज मल्टीपल करेक्ट जनरली इज द लास्ट टू गो रिसोर्ट फॉर एवरी स्टूडेंट यहां देख रो सत्रह मिसेज सिर्फ तीन चौदह क्वेश्चन जो थे नॉन मल्टीपल करेक्ट कैटेगरी के थे विच मेक्स बिलीव नी पेपर स्कोरिंग स्टूडेंट्स रियली वेल अंडर वाले को ये बहुत मोटिवेटिंग लगता है अरे बस तीन ही मल्टीपल करेक्ट थे पुश मिलता है बहुत ज्यादा एक तो चार सिंगल छह इंटीजर या न्यूमेरिकल बोल लीजिए और मैट्रिक्स मैच जो कि हमेशा से ही आसान होते हैं और इस बार पेपर वन में भी आसान आए सो बहुत सारी अच्छी खासी स्कोरिंग ऑपरचुनिटीज थी नेगेटिव इंटीजर टाइप में था ही नहीं तो आपके पास भर भर के स्कोरिंग ऑपरचुनिटीज पेपर में दिखी वन में पेपर वन आसान भी था एज कंपेयर टू 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 पेपर

पांच साल दस साल का ट्रेंड उठा के देखेंगे ये हमेशा रहा है सो दिस वॉज यूनिक अबाउट द पेपर दिच वॉज अवे फ्रॉम द ट्रेंड दैट मल्टीपल करेक्ट काफी कम पूछा गया वेटेज काफी कम रही एज कंपेयर टू वट है जनरल ट्रेंड सिंगल चॉइस दोनों पेपर में आना ये भी एक अजीब ट्रेंड था जबकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जई एडवांस में सो एज आई टोल्ड यू यूर एक्सपेक्ट दी लीस्ट एक्सपेक्टेड एट जय एडवांस ओवरऑल अगर हम बात करें पेपर जय 2022 से इजियर साइड पे था कितना भी आप कर लीजिए ये रहेगा बट अभी भी हम लोग इसमें गलत हो सकते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट सो ओवरऑल जो हमने हर बच्चे से टॉपर से बात करके अंडर 200 रैंक के बच्चे से बात करके जो समझा है वो कंक्लूजन यही निकला है दैट पेपर वाज नॉट एज डिफिकल्ट एज 2022 पेपर वन वाज रियली इजी पेपर टू वाज बेटर बट स्टिल मैथ वाज इजी जिसकी वजह से ओवरऑल इंपैक्ट काफी कम हो रहा है पेपर में तो पेपर वन क्विक रिव्यू

ठीक है मैथ का जो लेवल चाहिए होता है एडवांस लेवल पे वो यहां पर बरकरार रखा इन्होंने और पेपर वन कहीं ना कहीं यू कैन डिफिकल्ट एंड गुड पेपर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेडी प्रॉबिलिटी थोड़ा सा पैटर्न उल्टा हुआ इट वॉज इजियर टू बच्चों को इजियर लगा कई बच्चों को टफ लगा बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में आप बता के सजेस्ट करिएगा वॉट हैपन इन पेपर टू वो दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंप्रूव्ड

देखा जाए ओवरऑल पेपर अभी भी 2022 जितना ही रहेगा या उससे अभी भी कम रहेगा तो पेपर बैलेंस रहा ओवरऑल डिफिकल्टी के मामले में विद लॉट्स एंड इन द कमेंट सेक्शन डिफरेंट अगेन रिपीटिंग बी दट ऑफ सो पहली बात कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं देखिए किसी को नहीं पता बट वॉट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ सींग दिस ट्रेंड एंड वॉट हैज बीन आस्ड इस बार कोई भी बहुत बड़ा टेक्निकल क्लिश देखने को नहीं मिला उसकी वजह से भी नंबर बढ़ सकते हैं less number of क्वेश्चन जो तो कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बट ओवरऑल इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों का अगर हम बात करते हैं एक अच्छे स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो ये दे है

शायद यू विल नॉट लाइक टू दिस बट दैट इज आर ओपिनियन बट वी वुड बी है डे बट इफ यू आस्कस दैट इज वॉट वी फील अकॉर्डिंग टू दीपर राइट सो समवेयर डाउन दी लाइन वी बिलीव दैट ट्वेंटी वन से थोड़ा सा कम बट उससे उसके अराउंड का कट ऑफ अगर आप देखना चाहें तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं बट लेट्स वेट फॉर द रियल पेपर टू कम इन लेट्स वेट अभी अट्ठारह तारीख तक आपका रिजल्ट भी आई जाएगा एंड देन वी विल गेट अ क्लियर कट आइडिया

राइट देर इज नो ब्लडी चेंज की आप एनालिसिस देख के आपकी पेपर की इंप्रूवमेंट हो जाएगी कुछ नहीं था बिल्कुल वैसा ही जैसा पेपर हम प्रिडिक्ट करते हैं वैसा ही था प्रिडिक्ट मतलब प्रिडिक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन पता होंगे ये समझिए इस बात को नो बडी कैन प्रिडिक्ट अब जाके उन सारे यूट्यूब से पूछिए जिन्होंने पेपर लीक वीडियो बनाई थी अब क्या हुआ अब कहां गए वो लोग कोई ऐसा काम नहीं करना है पेपर हमेशा कुछ एक्सपेक्टेड चीजें पूछेगा कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछेगा कभी वेटेज को स्क्यू करेगा कभी किसी चीज को डिफिकल्ट बनाएगा किसी चीज को आसान बनाएगा दैट इज इज नोन फॉर तो वही हुआ है कुछ नहीं हुआ है जैसे बहुत सारे बच्चे स्टैट्स को लेके घबरा रहे थे सर स्टैट्स पहली बार ऐड हुआ है हमने बोला था कि घबराओ मत वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि स्टैट्स से बहुत डिफिकल्ट सवाल बन के आएगा जय मेन जैसा ही सवाल आया ठीक है अगर मान लीजिए टफ भी आ जाता अगर हम गलत भी प्रूव हो जाते तो ट्रैप्ड और 2024 और 2025 के बच्चों के लिए और 2023 के बच्चे प्लीज अपने जूनियर्स को ये बात क्लियर करके जाइए कमेंट में कि इन टाइप की वीडियो से एक्सपेक्टेड पैटर्न ये वो कुछ नहीं रखा है कुछ भी नहीं रखा है कुछ सीखने को नहीं मिलता है अगर आपका लिटरली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 2023 के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन अगर अच्छी थी तो पेपर आसान था लेट्स कट इट आउट सिंपल बातचीत में बात करते हैं स्टोरी एवरी ईयर ठीक है तो उसी को फॉलो करते हैं और अभी भी मैं बोलूंगा दिल छोटा मत करिए बिट साइट के लिए लग जाइए आज नहीं तो कल से all this hope to see you soon in the next video